नमस्कार, आपका स्वागत है द प्रिंट में। मैं हूँ सागरिका किस्सू और आज है हम नोएडा के निथारी गांव में। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना जजमेंट देते हुए दो अक्यूज्ड सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर पांडेर को कई केसेस में बरी कर दिया है। निथारी कांड 17 साल पुराना कांड। 2006 में निथारी गांव और उसके आसपास के गाँव के बच्चे गायब होना शुरू हुए थे। उनके गायब होने के बाद फैमिली ने पुलिस से कंप्लेंट की और कंप्लेंट में ये पता चला कि ये दो अक्यूज जो थे उन्होंने उन बच्चों की हत्या की गई थी। आज 17 साल बाद इन अक्यूज्ड को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई केसेस में, करीबन 12 केसेस में बरी किया गया है। आज हम बात करेंगे विक्टिम से, विक्टिम की फैमिली से और गाँव के लोगों से कि उनका क्या कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर। इट हैज बीन 17 ईयर्स सिंस द निथारी विलेज ग्रूसम किलिंग्स टुक प्लेस। But for the people living in Nithari village and the adjoining areas, the wounds are still fresh. The court judgment, as the villager said, has made them feel dejected. आज आपको पता है क्या हुआ? High court से order आया और जो दोषी थे उनको acquit कर दिया गया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अब दोषी है जब देखो, एक तो भगवान जज को माना जाता है। अब जब जज ही वो बिल्कुल कह दिया, उसको छोड़ दिया है तो क्या कर सकते हैं। इतने मर्डर करते हुए भी और जो है ये दोषी नहीं था तो 15-16 साल से क्यों बंद कर रखा है? क्यों पहले नहीं छोड़ दिया? मतलब अब सोचा काफ़ी टाइम हो गया है, अब शांत हो गया है, छोड़ दो बस, और कुछ नहीं है। जज भी बस सब आजकल पैसे के बिके हुए हैं। नहीं, जब दोषी नहीं था तो पहले भी छोड़ सकते थे इसको। इसी टाइम क्यों लगाई 16-17 साल? जजमेंट के बारे में कहना है, अगर जज ने उसको जजमेंट सुनाई है तो गलत सुनाई है। दोषी को मतलब बच्चे काटने वाले को निर्दोष बता दिया है। अगर इसी जगह जज के बच्चे होते और उसने मारा होता तो क्या जज उसको छोड़ देता कि जाओ भाई हमारा बच्चा मार दिया, बहुत अच्छी बात है, तुरंत फांसी पे लटका देता। आज के हमारा बच्चा मारा था तो आज को उसको मतलब फांसी से बरी कर दिया गया, यह कौन सा तरीका है कानून का? मेनी ऑफ दीज पीपल डोंट टेक द रोड लीडिंग टू द हाउस, दे वुड रादर टेक लॉन्गर रूट्स टू रीच द मेन रोड। फॉर मेनी द हाउस वेयर द किलिंग्स टुक प्लेस इज अ हॉन्टेड हाउस। आप बोल रहे थे कि उस कांड के बाद अभी भी आप में, जो आपके बेटे के साथ हुआ, अभी भी डर कायम है और अभी भी अपने आप बाकी बच्चों को नहीं जाने देते? अपने बच्चे ने न जान देती, स्कूल छोड़ कर आऊँगी, स्कूल लेकर आऊँगी, ट्यूशन भी छोड़ कर आऊँगी, लेकर आऊँगी। मुझे तो डर लगता है, मेरे बच्चे, दो बच्चे, तीन, कहीं फिर उठा ले, कुछ भरोसा हो उसको? इनके खूनी कोठी है सूत्र, कोई बच्चा भी न जाते, डर के मारेंगे रात बिरात में। अब भी डर लगता है चलने में भी, ऐसी कोई बात ना चले, नहीं लगता डर। डर तो डर ही है, जब पहले वहाँ ऐसा कांड करो तो डर नहीं है हमें। मैम, उन्होंने जो छोड़ के उनके गलत किया है, उनको सजा मौत होना चाहिए। ऐसे इंसान को सजा मौत, ऐसे मौत होना चाहिए जो जिंदगी को करने के लिए पहले हज़ार बार सोचेगा, हज़ार के लाखों बार सोचेगा उस बंदे, तो डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। कोर्ट ने गलत किया इस चीज़ का। उस कांड के बाद, जब ये 2006 में कांड हुआ था, उसके बाद एक डर का माहौल रहा होगा गाँव में। इसमें बाहर से कोई निकलना चाहता नहीं है, इस गले के अंदर कोई बाहर निकलना चाहते, जो आस पास जो रहते हैं बंदे सारे, जो गाँव वाले छोटे छोटे, तो कोई निकलना चाहता उस एरिया में। चारा रो, जिंदगी भर रो रहा है, उसके हाथ से पूछने के थोड़ी आएंगे, पैसे पैसे दे देंगे तो कुछ थोड़ी हो जाएंगे उससे, उसके बच्चे तो लौट के नहीं आएंगे। सीधी सी बात, उसे लौट के नहीं आएगा। पहले बात तो उनको यदि मार देता तो उनकी माँ बाप को दुख तकलीफ ये महसूस होता, चलो मेरी बेटे बच्चों को किससे मारा है, उसे कम से कम सजा तो मिला, मौत की सजा तो दिल के तसल्ली नहीं मिलता। अब ये तो गॉड कोर्ट ने छोड़ दिया, उनको आज़ाद कर दिया। इधर जो आपके जैसा हर आदमी आता है, वो यूट्यूब वाला चैनल भी कई भी आ चुका है, तो ये सब देखने को लिए मेरे को पूछता है। मैं बोला क्या हुआ, मेरे को भी मालूम नहीं, तो बाद में यूट्यूब में मैं खोला तो देखा, इसके बारे में पता चला। तो इसमें तो डर तो होता ही है, जो इसको कोई कोई कहता है खूनी कुठी, कोई कोई कहता है भूत बांगला, इसीलिए मैं तो उस टाइम से हनुमान जी का, प्रभु जी का फोटो ले लिया, जो हनुमान चालीसा में क्या है मैंने बोला है, भूत पिशाच पिशाच अब जब नहीं आवे, महावीर का जब नाम सुनावे। तो कब से आप मंजीत जी यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मैं तो 1.5 साल से ऊपर है, 2 साल नहीं हुआ अभी तक। तो इससे पहले कहाँ पे आप करते थे काम?
ये तो पहले मैं कलकत्ता में बंगाल में। मैं हूँ सागरिका किस्सू द प्रिंट के लिए। हमसे जुड़ते रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।